कहता है प्रभु मेरी निगाहों में सिर्फ तेरा इंतजार है। उत्तिमाई का पुत्र बर्तिमाई पता नहीं क्या देखने मांग रहा था, परंतु बाइबल बताती है जब उसकी आंखें खोली तो उसने यीशु को देखा। आमेन। मेरी निगाहों कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मोसेस रिक्वेस्टेड, यस लॉर्ड आई वांट टू सी यू, यस शो मी योर फेस। प्रभु तुम्हें आमार के तुम्हार मुख देखाओ, तुम्हें आमार साथे कथा बोलो, तुम्हें आमार सुनने थाको, तुम्हें आमार के तुम्हार मुख देखाओ। ईश्वर बोले मूसी के, परमेश्वर ने मूसा से कहा मोसेस तू मुझे नहीं देख सकता, तो अगर मुझे देखेगा तो मर जाएगा। बाइबल बताती है इफ यू सी मी यू विल डाई, मुझे मत देखो। मैं नहीं चाहता मूसा तू मर जाए, मैं चाहता हूं मूसा तू जिंदा रहे, पर मैं तेरे रिक्वेस्ट को मानता हूं, तू मेरी पीठ को देखेगा। हालेलुया, यू कैन सी माय बैक, तू मेरी पीठ को देखेगा। और बाइबल बताती है मूसा ने खुदा के पीठ को देखा, हालेलुया, पर उसे चेहरे को नहीं देखा। पर जब हम नए नियम में आते हैं तो वहां यीशु कहता है, हालेलुया।
तुम मुझे बादलों में देखोगे, तुम मुझसे मिलोगे वहां। आमीन। अगर आज आपकी निगाहें प्रभु के इंतजार में है तो प्रभु भी तैयार है आपके जीवन में अद्भुत। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब परमेश्वर के अनुग्रह से आपने बहुत अच्छा पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे परमेश्वर की उपस्थिति में आपने उसको सेलिब्रेट किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कभी कुछ कुछ चीजें परमेश्वर की ओर से होती है जो हमें मानना पड़ता है। मैं जानता हूं आप लोगों ने काफी मिस किया मुझे, मैंने भी आपको मिस किया। ऐसा नहीं है कि मैं वहां बहुत सुकून से था। जब आपका यहाँ सुबह है तो वहां काफी रात है, पर मैं रात को जगकर एटलीस्ट सर्विस के समय प्रेयर करता था कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक सर्विस में हो, हर एक स्तुति आराधना में हो। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम परमेश्वर का काम करते हैं, जब हमारा ईश्वर काज करी, रिमेंबर, आई डो नॉट नो हाउ मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दैट, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं मैं नहीं जानता, परंतु परमेश्वर इन्वॉल्व होता है क्योंकि काम हम परमेश्वर का करते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, कितने लोगों ने गार्डन देखा है? गार्डन, बगीचा। आमेन। यू ऑल हैव सीन गार्डन। हम सब ने बगीचा देखा है। आमेन। आज मेरा विषय है गार्डन, आज मेरा विषय है बगीचा। और हम सब चाहते हैं कि गार्डन सुंदर दिखे। आमेन। क्या आप जंगल को गार्डन बोलते हैं? बोलते नहीं, नहीं, यू डोंट से। बट गार्डन शुड बी सेपरेट, गार्डन शुड बी लोकेटेड इन अ सेपरेट प्लेस। गार्डन एक अलग तरह से दिखना चाहिए और परमेश्वर अद्भुत तरह से हमारे जीवन को सजाना चाहता है अपने गार्डन में। मेरे लिए कभी कभी कठिन हो जाता है कि उस गार्डन में कभी कभी जिस फूल में अच्छे, जिस पेड़ में अच्छे फूल आते हैं उसमें कांटे भी होते हैं। और अगर आप सही तरह से फूल को ना छुओ तो कांटों का चुभन हो सकता है। पर कांटों को इसीलिए लगाया जाता है ताकि फूल सुरक्षित रहे। इन ऑल थिंग्स गुड फॉर द ट्री, ये सब कुछ उस पेड़ के लिए अच्छा है। yes. तो आज आइए अ वेरी पावरफुल एंड वंडरफुल मैसेज वी आर गोइंग टू लिसन। आमेन। देयर आर थ्री गार्डन्स आई विल बी स्पीकिंग। द फर्स्ट गार्डन इज गार्डन ऑफ ईडन। पहला गार्डन द गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका। दूसरा गार्डन द गार्डन ऑफ गेथसेमनी, गेथसेमनी का बाग। और तीसरा गार्डन मैं और आप। आज हम तीन गार्डन को देखेंगे और हम सीखेंगे कि विच गार्डन वी आर, हम किस गार्डन में हैं, और अगर हम इस गार्डन में हैं तो क्यों हैं, व्हाट इज आवर रोल, इस गार्डन में हमारा काम क्या है, एंड व्हाट वी आर डूइंग इन द गार्डन, हम क्या कर रहे हैं हमारे बगीचे में। आमेन। हालेलुया। द फर्स्ट इज गार्डन ऑफ ईडन। बाइबल बताती है The Garden of Eden was a type of heaven. बाइबल बताती है अदन का जो बगीचा था
वो एक स्वर्ग की तरह था। आमेन। बुक ऑफ हिजकिया चैप्टर 28 बताता था गार्डन ऑफ द लॉर्ड, अदन का वाटिका परमेश्वर का बगीचा था, ईश्वरेर गार्डन छिलो, द गार्डन ऑफ ईडन। व्हाई? यू नो, बिकॉज लॉर्ड हिमसेल्फ इज टू कम, ईश्वर निजे आस्ते, कोथाय आस्ते, कहां आते थे? अदन वाटिका में। और बाइबल बताती है कि ठंडी हवाओं में परमेश्वर उस गार्डन में क्या करने आता था पता है? टहलने के लिए। आमेन। हालेलुया। मैं जब न्यूजीलैंड में था तो मुझे सब सभी अच्छा दिख रहा है, तो मैं बोला हूं कहीं भी तो हम लोग चल सकते हैं, कहीं भी तो वॉक कर सकते हैं, सभी तो हमारे गार्डन से भी बहुत सुंदर लगता है। वहां आम रास्ता इतना सुंदर लगता है, बगल में इतना सुंदर ग्रीनी है। तो मैं बोलता था कि I just want to walk. So you will walk here? Why? यहाँ क्यों चलना है? चलो गार्डन में ले जाते हैं। मतलब गार्डन अब कौन सा, यही तो गार्डन दिख रहा है। पर जब गार्डन ले जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत सुंदर सजा के रखा है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल, और लोग वहां वॉक कर रहे हैं। जब आप गार्डन की बात करते हो, अगर आप गार्डन ऑफ ईडन भूल जाते हो तब आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक है। और बाइबल बताती है ठंडी हवाओं में, इन द कूल एयर, गॉड इज टू वॉक इन द गार्डन ऑफ ईडन। और जहां परमेश्वर चलता है वो ऑटोमेटिक स्वर्ग हो जाता है। आमेन। जहां परमेश्वर आता है वो स्वर्ग बन जाता है। प्रभु सिंहासन में बैठा करता था और टहलने के लिए कहा आता था। आमेन। अगर आप किताब पढ़े तो बहुत सारे ग्रह हैं, और भी ग्रहों के बारे में जाना जा रहा है, परंतु यूजली हम किताब में कितने ग्रहों के बारे में जानते हैं? कितने ग्रह हैं? हमारी पर और भी ग्रहों का खोज किया जा रहा है। कोई बोल रहा है 9 ग्रह, कोई बोल रहा है 10 ग्रह। कितना ग्रह है? 9 ग्रह है। श्योर? कितने लोग बोल रहे 9 ग्रह है? 9 है ना? 10 है? 9 है। कहां पढ़ा था? स्कूल में ना घर में? How many? 9? Oh yes, 9. It is written in the book, 9. पर और भी है, और भी पता नहीं, आस्ते आस्ते शायद हमारे हाथ में अगर लाठी आ जाए जब बूढ़ा हो जाए और, तो शायद तब तक और भी ग्रह आ जाए, पता नहीं मुझे। People are walking. तो सारे ग्रह में परमेश्वर टहलने नहीं जाता था, सिर्फ एक ही ग्रह में आता था और वो पृथ्वी। आमेन। और परमेश्वर इस ग्रहों को बनाने वाला परमेश्वर, वो सिर्फ गार्डन ऑफ ईडन में आकर टहलने के लिए आता था, वॉक करने के लिए आता था। आमेन। और किसके साथ वॉक करता था? आदम के साथ। आमेन। हालेलुया। The Garden of Eden was like a heaven. The book of Ezekiel says, the garden of the Lord. Adam Vatika, garden of Lord tha. River flowed out of Eden to the four corners of the world. चारों तरफ से जो नदी बहती थी अदन वाटिका का, वो चारों नदी पूरे संसार को कवर करती थी। Amen. What a blessing Adam had. Amen. चारों तरफ से जो नदी बहती थी वो पूरे वर्ल्ड को कवर करती थी। It was a beautiful, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर था वो। Amen. Book of Genesis, chapter 2, verse 50. आदि पुस्तक
उसका 2:15 में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2:15 में क्या लिखा है Then the Lord God took the man and put him into the garden of Eden. Amen. Hallelujah. ওই গার্ডেন অফ ইডেনে আদম কে কে রেখেছে? Amen. কিসে রাখা? परमेश्वर ने रखा जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका क्या किया क्या किया क्या किया किसने रखा परमेश्वर ने रखा आमेन परमेश्वर ने रखा कभी नहीं बोलना ये मैंने मेरी इच्छा से हम चर्च आए ये परमेश्वर की इच्छा आमेन आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते जब तक उसकी इच्छा ना हो आमेन इट इज गॉड हु ब्रॉट यू हियर ये परमेश्वर है जिसने आपको यहां पर लेकर आए आमेन हालेलुया बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को वहां रख दिया कि वो उसमें क्या करे क्या करे काम करे और उसकी रक्षा करे काम भी दिया गया कि काम भी करे और अदन वाटिका की रक्षा करे परमेश्वर ने भी आपको अगर कहीं रखा है तो चुपचाप बैठने के लिए नहीं कुछ कार्य करने के लिए और अपने उद्धार की रक्षा करने के लिए आमेन God has put you in His presence not to sit simply, but God has put you in His presence so that you can protect your soul and work for the glory of God. Amen. ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सके. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we feel we are in enjoying time. हम enjoy कर रहे, आनंद कर रहे. It's good that you enjoy. ये अच्छी बात है आप एंजॉय करें परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि देयर आर रीजन बिहाइंड इट आमेन तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी आमेन 16 कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है तुम्हारा कोनो परिश्रम लागबे ना तुम्ही सब फल खेते पारबे कोई भी फल खा लो यानी जब परमेश्वर ने उसको उस गार्डन में रखा तो ऑलरेडी फ्रूट्स थे आमेन देन 17 पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना सब खाना पर ये मत करना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू मर जाएगा तू सब करना तू ये फल खाना वो फल खाना सब कुछ करना परंतु एक फल को मत खाना आमेन डोंट ईट दैट फ्रूट उसको मत खाना अगर परमेश्वर कोई भी चीज हमें मना करता है वो हमारे लिए बेहतरी के लिए होता है पर द ह्यूमन टेंडेंसी क्या है मालूम है आपको पता है शैतान ने हमारे लाइफ को ऐसा कर दिया है कि जहां जहां परमेश्वर मना करता है एंड वी अटेम्प्ट टू डू दैट आमेन शैतान हमें जो चीज कराने की कोशिश करता है वो अपनी इच्छा से नहीं करता है मालूम है वो अपनी इच्छा से नहीं करवा सकता है वो हमारी इच्छा को अपने काबू में रखकर तब करता है और वो अपनी इच्छा कब हमारे ऊपर डालता है मालूम है जैसे ही उसे पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा ये है वो कूद जाता है वो जम करता है ये जब बातें बोला जा रहा था तो शैतान भी सुन रहा था आमेन जब आपसे प्रभु बात करता है वो भी जानता है प्रभु आपसे क्या बात किया है आमेन तू सब खाना परंतु इस फल को क्या करना खा लेना मत खाना 3:1 में लिखा है यहोवा परमेश्वर आई एम रीडिंग 25 आल्सो है ना 2:25 में लिखा हुआ है
और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे, एंड द मैन एंड हिज वाइफ आर बोथ नेकेड एंड वर नॉट अशेम्ड। आमेन। दोनों के शरीर में, उनके तन में एक भी कपड़ा नहीं था, परंतु वे एक दूसरे को देखकर शर्माते नहीं थे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल ना खाना? क्या यह सच है? क्या यह सच है कि तुम्हें परमेश्वर ने मना किया है? कहां पर यह सवाल आता है मालूम है? जब प्रभु ऑलरेडी आपको गार्डन में रख देता है, तब शैतान आपको कब परीक्षा में डालता है पता है? जब आप ऑलरेडी यू आर इन द गार्डन। Amen. आप ऑलरेडी गार्डन में हो, तब परमेश्वर का कार्य जब आपके जीवन में होता है तब शैतान आपके जीवन में। क्या प्रभु ने कहा है कि एक संडे चर्च नहीं जाने से कुछ हो जाएगा? क्या प्रभु ने कहा है कि ये नशा नहीं करने से कुछ हो जाएगा? क्या प्रभु ने कहा है कि गंदे वीडियो देखने से कुछ हो जाएगा? क्या प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर को छोड़ के अगर तू किसी और की आराधना करे तो तू मर जाएगा? क्या प्रभु ने कहा है कि तू परमेश्वर को छोड़ के किसी और का नाम भी लेगा तो तू भी तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा? कहां प्रभु ने कहा है? क्या प्रभु ने कहा है कि अगर तू मिनिस्ट्री छोड़ दे, तू सेवा छोड़ दे, तू गिटार बजाना छोड़ दे, तू सिर्फ चर्च में आके बैठे तो कुछ हो जाएगा? तू तो ऑलरेडी विश्वासी है, तू तो चर्च आ ही रहा है, तू परमेश्वर से दूर कहां गया? तू तो परमेश्वर की सेवा अगर नहीं कर रहा है तो क्या है? वहां बैठ के प्रार्थना करना, वहां बैठ के सुनना। आमेन। क्या प्रभु ने कहा है तुझे? Is God said anything to you? क्या परमेश्वर ने कहा है ये? क्या परमेश्वर ने कहा है कि ये फल खाने से तू मर जाएगा? आमेन। हालेलुया। जैसे ही हम गार्डन में आते हैं वैसे ही ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। जैसे ही हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तभी ये सारी चीजों का आरंभ होता है। इससे पहले जब आप प्रभु में नहीं थे ये सब नहीं होता था, अब होता है क्योंकि आप गार्डन में हो। जब तक आप गार्डन में नहीं हो तब तक ये नहीं होगा। जैसे ही गार्डन में आओगे टेम्पटेशन आएगा, परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी। हालेलुया। Who created this garden? God Himself. Who created your life? God Himself. Who created this church? God Himself. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, जब तक आप गार्डन में हैं, तब तक आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, तब तक शैतान आपसे पूछेगा, क्या प्रभु ने तुझे बोला है? क्या प्रभु ने बोला है? क्या प्रभु ने बोला है? क्या प्रभु ने बोला है झगड़ा नहीं करने के लिए? क्या प्रभु ने बोला है कि शराब नहीं पीने के लिए? क्या प्रभु ने बोला है अपने दोस्तों के संग घूमने नहीं जाने के लिए? क्या प्रभु ने कहा है कि गंदी मूवी नहीं देखने के लिए? क्या प्रभु ने कहा है कि एक सप्ताह चर्च नहीं जाएगा तो तेरी आत्मिकता खत्म हो जाएगी? क्या प्रभु ने कहा है कि स्तुति आराधना अगर नहीं करेगा तो मेरी आत्मा तुझ में नहीं रहेगी? कहां है प्रभु ने? आप बोलोगे, ओह यस, मैंने एक भाई को देखा है। आप शॉर्टकट निकालोगे, हाँ मुझे याद है, मैंने देखा है कि वो भाई इतने दिन से चर्च नहीं गया तो फिर भी तो वो प्रभु में है। अब आप निकालोगे क्योंकि आपको पाप करना है, आपको अब पाप करना है क्योंकि शैतान ने आपके मन में बीज बो दिया। Amen. यहाँ गार्डन में परमेश्वर ने बीज बोकर आपके लिए समृद्धि पैदा की है, परंतु अब आप अपने लिए नरक का रास्ता तैयार कर रहे हो। Amen. 3:2 में लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। Amen. पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना उसको नहीं तो किसने कहा? Who said it? किसने कहा?
अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो आपको कहने की क्या जरूरत है? आप चुप रहो और फॉलो करो। आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप परमेश्वर के ऊपर बात करो। यस, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है चुपचाप रहो और मानो। ज्यादा इधर उधर मत जाओ। If God has said anything, don't use your wisdom and knowledge. Yes. Amen. Amen. I will be coming, then I will come to the Garden of Gethsemane. I will make a breach. मुझे नहीं लगता आपने कभी ये प्रचार ऐसे सुना होगा। I will make a beautiful breach here. चार में लिखा है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगी। आमीन। तू निश्चय। ये मौका किसने दिया? शैतान ने। ये मौका स्त्री ने दिया। यस। ये मौका शैतान को बोलने का मौका औरत ने दिया। अगर औरत बोलती चला जा यहां से, मैं तेरी बात को नहीं सुन सकती क्योंकि मैं परमेश्वर की दासी हूं। पर वो कन्वर्सेशन चाह रही थी, वो बात करना चाह रही थी। थोड़ा क्लिक करके देखते हैं क्या है इस वीडियो में। बट यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। आप पहले से जानते हो वहां गलत है कुछ। आप पहले से जानते हो कि उनकी संगति नहीं करना है। आपको पहले से मालूम है कि उस जगह को छोड़ना नहीं है, परंतु फिर भी आप छोड़कर देखना चाहते हो। इसका मतलब आप शैतान को मौका देना चाहते हो। Am I speaking to the church? Yes. क्या मैं आज कलीसिया से बात कर रहा हूं? Amen. ये स्त्री की इच्छा थी, तभी शैतान बोल पाया तू ना मरेगी। Amen. अगर कोई आपको बोले चलना आज चर्च नहीं जाना है, खबरदार कभी ऐसा बात किया तो। अगर आप वहां एक्सप्लेन करोगे नहीं देखो हमें चर्च जाना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा, अरे तो कुछ नहीं होगा, आपने मौका दिया। Amen. The moment you will say, please never speak like this. ऐसी बातें मत करना। Amen. पर इस स्त्री ने किसको मौका दिया? Amen. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Amen. हालेलुया। चर्च मत जाओ, घर में भी बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। शैतान काम में बोलेगा क्या चर्च नहीं जाओगे? दो गाना जानता है, प्रार्थना करो स्तुति करो का, और क्या जानता है? बोलो जय जानता है का। शैतान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि अभी जो आप गाना गाओगे ना, उस गाना से आपके आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी कभी लोगों को लगता है बाइबल पढ़ने से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु अगर आप शैतान के बात के अनुसार बाइबल पढ़ रहे हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको परमेश्वर के घर में नहीं जाने के जाने से रोक दिया, आपको घर में बाइबल पढ़वा रहा है, कौन जीता? ओ बाइबल पर बाइबल बताती है कि शैतान हमसे अच्छा बाइबल जानता है। साधू की फरीसी बाइबल बताती है कि वे कौमा का ज्ञान रखते थे, कौमा का। Amen. पर तो फिर भी परमेश्वर से क्या कहता है, यीशु क्या कहते हैं? हे पाखंडियों। God himself says, क्या बोला? You hypocrites, तुम पाखंडी हो। Amen. आपको क्या लगता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही धार्मिकता है? Amen. Hallelujah. मैं जब न्यूजीलैंड में पाप के विषय में प्रचार कर रहा था, What is sin? All the congregation, they were crying like anything. सब इस तरह से रो रहे थे। जब चर्च खत्म हो गया, कई लोग
मेरे हाथ को पकड़ के इसे चूमने लगे. But we never understood that we are committing sin against God. हम कभी सोच नहीं पाए कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं. Hallelujah. पर मैंने कहा ये पाप तो पाप है, चाहे आप इंडिया में करो चाहे आप न्यूजीलैंड में करो. गाइडलाइन सबके लिए समान है. आपका चमड़ा गोरा हो सकता है, मेरा काला हो सकता है, पर नियम सबके लिए समान है, गाइडलाइन सबके लिए समान है. आमेन. अगर तू इस फल को खाएगी तो तू निश्चय, परंतु तू तेरी बुद्धि हो जाएगी. अभी के लोग अधिकतर अपनी बुद्धि के इस्तेमाल के कारण पाप करते हैं. पास्टर जी ने प्रचार तो किया है, परंतु सुनो, मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा होने से ठीक होगा. आ गया शैतान आपके अंदर, आ गया, या आपके पत्नी के रूप में आया, या पति के रूप में आया, या आपके बेटी या बेटा के रूप में आया. अमी अच्छा का पोस्ट देखे ची, अभी फेसबुक में ये सब जगह में बहुत अच्छा अच्छा ना पोस्ट आता है. तो अमी देखे ची इखने एक भावे इटा बोलचे. पास्टर जी जब बोलचे सेटा तो अमी बोलते पारबो ना कि भूल आचे, एकदम ठीक आचे. किंतु क्योंकि अब आपको चाहिए, अब आपके अंदर हवा का आत्मा आ गया है, क्योंकि अब आपको कन्वर्सेशन करना है शैतान से, अब आपको पाप करना है, इसलिए अब आपको वहां से निकलने का रास्ता चाहिए. आमेन. परमेश्वर का इच्छा बहुत क्लियर कट है. प्रभु ने कहा इस फल को नहीं खाना, नहीं खाना, ज्यादा सवाल नहीं करना. प्रभु ने कहा छूना नहीं, छूना नहीं, सोचना नहीं, सोचना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं. आमेन. डोंट यूज. आमेन. सो जब स्त्री ने देखा, आमेन, छह में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में उसने छुआ भी, उस फल को पकड़ा भी और उस फल को तोड़ा भी, इतना जल्दी नहीं खाया. पहले तो इच्छा गया मन में, अच्छा मैं भी परमेश्वर जैसा हो सकती हूं, ओके चलो चलो, मेरा भी बुद्धि परमेश्वर से जैसा हो सकता है, चलो. आमेन. हालेलुया. लेट्स गो. और वो गई और उसने, पता नहीं उसके मन में क्या था, उसने उस फल को जब छुआ, अगर उस समय भी छोड़ देते तो शायद बच जाती. प्रभु उसे डांटता, तुझे छूना मना किया था, इसे बोल के छोड़ देता प्रभु. परंतु छुई, उसको प्लग भी किया. अगर प्लग क्या फेंक भी देती तो बच जाती, अगर उस फल को वो फेंक भी देती तो बच जाती. परंतु उसने उस फल को टेस्ट किया और क्या कहा, फल कैसा है, फल कैसा है, अच्छा है और देखने में मनभाव है. आमेन. हालेलुया. देखने में मन भाव है. हालेलुया. ये कैसा है मालूम है, ये अभी के रिश्ते हैं, नाते हैं. अभी सबको चाहिए परी जैसा, हूर जैसी लड़की, सबको चाहिए अभी एकदम सिक्स पैक वाला इंसान, सबको चाहिए सुंदर, फल के जैसा है, देखने में सुंदर होंगे पर खाने में सुंदर नहीं होंगे, खाने के बाद पाप ही पाप मिलेगा. I'm telling you, मैंने इस विषय के ऊपर एक सेशन किया था न्यूजीलैंड के टीवी में. This time God has blessed me in many ways. उन सारे चीजों का फोटो मैं नहीं खींच के, क्योंकि मैं बाहर था तो मेरे वीजा में प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को आप तक नहीं पहुंचा पाया. कि इस समय मैंने उन लोगों के नेशनल टीवी में भी प्रचार किया, जो कुछ फेसबुक लाइव में प्रचार किया, कुछ उन लोगों का यूट्यूब चैनल भी किया, और
परमेश्वर ने मौका दिया कि तीन बार उन लोगों के नेशनल टीवी में प्रचार करने का, और जब और एक चैनल को उद्घाटन करने का भी मौका मिला कि नया क्रिश्चियन चैनल जिसको मैंने उद्घाटन करके डेडिकेट किया। और ये डेडिकेट कब कैसे दिया पता है, जब मैंने एक प्रचार एक YouTube चैनल में किया वहां पर, और उस YouTube चैनल में आप सोच नहीं सकते हैं कि उसके सब्सक्राइबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और यूएस के लोग थे, और मैं देख रहा था कि लाइव 250 से ज्यादा लोग सुन रहे थे जब स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद जब मेरा प्रीचिंग स्टार्ट होता है, जब मैं प्रचार करता हूँ, oh my goodness, it crossed 2000. बाद में मुझे पता चला almost 15,000 उसी दिन लोगों ने सुना प्रचार। Lot of comments. तो उस पास्टर ने कहा कि हम इसी पास्टर से, एक्चुअली कोई और पास्टर से उद्घाटन करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला कि हम इसी इंडियन पास्टर से अपने चैनल का उद्घाटन करेंगे। मैं इसी बात के बारे में, मैं इसी आपको पता है, I'm a long preacher, ठीक है, मैं इसी सिर्फ 3:6 के बारे में 45 मिनट प्रचार किया था वहाँ, सिर्फ 3:6 और कुछ नहीं, सिर्फ 3:6, सिर्फ 3:6 में ही मैंने 6 मारा वहाँ, बस 3:6 में। तो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा। खाने में अच्छा। ये लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बिल्कुल तेरा शादी हो गया है। आमीन। मैंने फॉरेन के लोगों को कहा, विदेशी लोगों को कहा कि तुम्हारा शादी हो गया है, यू कांट सी एनी अदर पर्सन। मैंने कहा I'm a Pentecostal preacher. I'm very orthodox in this. मैं बहुत कठिन हूँ ये सब चीजों में। Here to be holy. Your dollar will not help you. Your money will not bless you. But walking with God can bless your life. कभी भी ऐसे चीजों को मत चुनो जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं, ऐसे चीजों को चुनो जो अंदर से बहुत अच्छे होते हैं। बाहर से देखने वाली चीजें बहुत अच्छी नहीं होती है, मैं नहीं बोल रहा हूं बाहर से सारी चीजें खराब होती है, पर आपका पसंद, आपका चॉइस हवा की तरह नहीं होना चाहिए। हवा का चॉइस कैसे था, हवा ने कैसे पसंद किया मालूम है, स्त्री ने देखा, क्या देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में इतना सुंदर, बाप रे बाप कितना सुंदर, पर जब मुंह खोलता है तब पता चलता है कि इस घर में नहीं रह सकते हम। मुंह में लिपस्टिक लगाई है, मुंह खोलने तो दे, तब पता चलेगा इस घर में रह सकता है कि। लड़कों का भी वही हाल है। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। आमीन। मतलब हम इस फल के ऊपर दीवाने भी हो सकते हैं। आमीन। और बुद्धि देने में ये चाहने योग्य है, मतलब ये चाहने योग्य है, इसके पीछे पागल हुआ जा सकता है, इस बंदे के ऊपर पागल हो सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम पागल बन सकते हैं। आई कैन बी अ क्रेजी फॉर दिस। आज के लोग क्रेजी हो गए हैं मोबाइल और फेसबुक में वीडियो बना बना कर, क्रेजी, दे बिकम क्रेजी माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे मसीह भाई बहन फिल्मी गाना में डांस कर रहे हैं, अभी नाच रहे हैं, दे वॉन्ट द पीपल शुड गिव लाइक। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर डिसलाइक किया तुझे, परमेश्वर ने तुझे डिसलाइक किया। अगर 50 लोगों ने लाइक किया तो परमेश्वर का एक डिसलाइक इस संसार में तू रिजेक्ट हो गया।
Amen. Amen. Don't lose your testimony. बाहर के लोग अगर 10 वीडियो ऐसा बना रहे हैं, आप उसमें एक परमेश्वर का वीडियो बनाकर छोड़ो. Let the message go. Amen. Hallelujah. God will bless you, my dear friends. Hallelujah. वो चाहने योग्य है. पागल बना जा सकता है, क्रेजी बन सकते हैं. It's good that तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया. इसको बोलते हैं अच्छा हस्बैंड, जो पत्नी का बात सुनता है. अगर घर में शांति चाहिए तो पत्नी का बात सुना करो, है ना. ऐसा पति अगर हो, अगर ऐसा पति हर एक को मिले तो घर में आशीष की जरूरत नहीं है. जो हर बात पत्नी का सोचता हो. कभी कभी परमेश्वर के वचन से तौला करो कि मेरी पत्नी सही बोल रही है ना गलत बोल रही है. कभी कभी अपने हस्बैंड की बातों को जांच किया करो. अपने दिमाग को ज्यादा यूज मत किया करो. ना ना ना, मेरे बुद्धि बता रहा है ये है. नहीं नहीं, मेरी बुद्धि बता रही है. नहीं नहीं, मेरा ज्ञान है. यू आर इन द गार्डन. इसको नहीं भूलना कि परमेश्वर ने तुझे इस गार्डन में रखा है. तो अपने सोच और अपने विचार का मालिक नहीं है, इस गार्डन का मालिक यहोवा है. तेरे जीवन का मालिक परमेश्वर है. हालेलुया. हमारे जीवन का मालिक खुदा है मेरे प्रियो. पाप देखने में अच्छा होता है, पाप सुनने में अच्छा लगता है, पाप को अनुभव करने में अच्छा लगता है, पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है. Hallelujah. The second garden. Let's go. बहुत सारी चीजें इसमें ही बताना था मुझे. But let's go to the garden of Gethsemane. The garden of Gethsemane, a occasion of great mental and spiritual suffering. Amen. Amen. The garden of Gethsemane, a occasion of great mental और स्पिरिचुअल सफरिंग. गत्समनि का जो बाग था, गत्समनि का जो बगीचा था, वो बहुत ही बहुत बड़ा प्रेशर, एक बहुत बड़ा चिंताजनक और आत्मिक दुख का वो गार्डन था. आमेन. गार्डन ऑफ ईडन में क्या था? फल खाओ, आनंद करो. सिर्फ एक फल, सिर्फ एक पेड़ का फल नहीं खाना, परंतु बाकी सब खाओ, एंजॉय करो, आनंद करो. परमेश्वर आएगा, तुम्हारे संग टहलेगा, तुम्हारे संग बैठेगा. आमेन. यू डोंट नीड हेवन. द गार्डन ऑफ ईडन वाज द हेवन. गार्डन ऑफ ईडन ही हेवन था, क्योंकि उस समय कोई भी डेट नहीं था कि आदम मरेगा. कोई भी डेट नहीं दिया गया था कि हवा मरेगी. बाइबल में लिखा है तुम एंजॉय करो, आनंद करो. आमेन. परंतु जब उन लोगों ने फल खाया तो उनके उन्हें पता चला कि वे नेकेड है, वे नंगे, उनके तन में कपड़ा नहीं है. ये परमेश्वर ने उन्हें नहीं सिखाया था, ये परमेश्वर ने उन्हें नहीं बताया था. परंतु किसने बताया? उस फल ने. वो फल जब खाया तब उन्हें पता चला कि दे वर नेकेड, वे नंगे हैं. दुख और तकलीफ आपके जीवन में वो था ही नहीं. आपके गलत डिसीजन के कारण आपके जीवन में ऐसी समस्या आई. अब आपको पता है कि ये दुख मेरे जीवन में आ गया. अब आपको पता है ये पाप करने से मैं आज मेरा इंसल्ट हो गया सब जगह. यू डिडंट नो अबाउट दिस, आपने किया. गत्समनी का बाग एक ऐसा बाग है जो हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है. आइए हम बहुत ध्यान से इस बगीचे के बारे में देखें. अभी आपने गुड फ्राइडे, आपने ईस्टर संडे सेलिब्रेट किया. तो आज आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आपको किस तरह से इस बगीचे में रखना चाहता है. मत्ती उसका 26 का 36 कोई पढ़ दे. 26:36 मैथ्यू 26:36 यीशु ने अपने चेलों के साथ कहां गए वो?
कहां गए? गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर पहले से जानता है हर एक चीजों को? यहूदा के मन में जब चल रहा था, जब वो इत्र डाल रही थी, तो परमेश्वर वो अपने मन में सोचा था, अरे इस इत्र को बेचकर तो हम लोग गरीबों को आराम से हम उन लोगों का सेवा कर सकते थे, खिला सकते थे। तब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु क्या कहता है? गरीब तू तेरे संग। आमीन। हालेलुया। हमारे दिल में जो चलता है वो जानता है। परंतु परमेश्वर को पता था कि उस दिन परमेश्वर कहां जा रहा है। That day Jesus knew that he is going to the Garden of Gethsemane, where he has to suffer a lot, where he has to face many things which he never faced in his life. उसे पता था कि वो क्या फेस करने जा रहा है। उसे पता था कि Garden of Gethsemane was not an easy place for him. वो आसान जगह नहीं था उसके लिए, बहुत कठिन जगह था। पर तो फिर भी प्रभु यीशु अपने चेलों को लेकर गए, अपने 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 सागी को लेकर गए, ताकि वे उसको सपोर्ट कर सके। कैसा सपोर्ट? प्रेयर करके, प्रार्थना करके सपोर्ट कर सके। पर तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए और अपने चेलों को कहा कि यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर क्या करूं? क्या करूं? हालेलुया, हालेलुया। और वो पत्रस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। आमीन। क्या होने लगा प्रभु? क्या होने लगा? पूरे बाइबल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि यीशु उदास और व्याकुल हो गया। पूरे बाइबल में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि प्रभु उदास हो गया। पूरे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बस देख रहा था उनका विश्वास, परमेश्वर जान रहा था उसका विश्वास, प्रभु यीशु सोच रहा था, प्रभु ऐसे बोल रहा था। परंतु सिर्फ यहां पर लिखा, एंड ही टुक विद पीटर एंड टू सन्स ऑफ जब्दी बिगन टू बी ग्रीव्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। वो बहुत व्याकुल हो गए। एक अदन वाटिका है जहां पर आदम और हवा को आनंद करने के लिए रखा गया, एक वाटिका है, एक बगीचा है जहां पर दुख और व्याकुलता है। एक बगीचे में आनंद करने के लिए छोड़ दिया गया, एक बगीचे में यीशु को भेजा गया ताकि वो दुख और व्याकुलता में अपना समय बिताए। एक आदम को बोला गया कि तू आनंद कर, यहां पर चार नदी है, यहां चार नदी में बैठ, आनंद कर, खुशी कर, तू और तेरी वाइफ जाकर जानवरों से मिल, बात कर। पर एक बगीचा ऐसा है जहां दुख और तकलीफ। टू एडम, पहला आदम जिसके संग परमेश्वर चल रहा था, दूसरा आदम जो अकेले था। लोगों को लेके तो गया पर तो वे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर पाए। आमीन। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सारी चीजों में अकेले हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। प्रभु यीशु व्याकुल हो गए। आमीन। उदास हो गए। इसलिए उदास नहीं हो गए कि चेले सो रहे थे, इसलिए उदास हो गए क्योंकि बहुत बड़ा चीज उनके जीवन में आ रहा है। एक बहुत बड़ी विपत्ति उनके जीवन में आ रही है। और वो कहां हो रहा है? गार्डन में। कहां हो रहा है? गार्डन में, उस बगीचे में। वो पावरफुल जगह था। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। 38 में लिखा है, यीशु ने क्या कहा? मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ। फिर भी
गंभीरता को नहीं सोचा गया। एक आदम को बोला गया कि तू कभी नहीं मरेगा, एक आदम को छोड़ दिया गया, परंतु दूसरे आदम को बोला गया कि तेरा प्राण निकलने वाला है। एक आदम को बोला गया कि तू एंजॉय कर, मैं आऊंगा तेरे साथ और चलेंगे, टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। और दूसरा आदम यीशु कहता है कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। शायद चीलों को थोड़ा समझना चाहिए कि कौन बोल रहा है। शायद चीलों को यह सोचना चाहिए कि हु इज स्पीकिंग, कौन बात कर रहा है। जो यीशु बड़े बड़े प्रॉब्लम को देख के बोलता था कोई बात नहीं, 5,000 लोगों को खिला दो कोई बात नहीं, 4,000 लोगों को खिला दो कोई बात नहीं, लाजरस मर गया जिंदा कर देंगे, तबीता मर गई है बोलेंगे उठ उठ जाएगी, तिमाई का पुत्र पर तिमाई कभी नहीं देखा आज देखेगा, ये चक्कई ने सबको परेशान कर दिया है आज से वो परेशान नहीं करेगा, आज वो मेरी बात करेगा, चल चक्कई तेरे घर में आज खाना खाना है। ये सब आप स्टोरी को देखो कि यीशु He took the things very easy way. वो हर एक चीजों को बहुत आसानी से लेते हैं, परंतु एक जगह में आकर, एक ऐसे गार्डन में आकर, एक ऐसे बगीचे में आकर, एक ऐसे सुंदर जगह में आकर, एक ऐसे हसीन जगह में आकर जहां चारों तरफ सुंदरता है, चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर है, पर वहां पर खुदा का पुत्र प्रभु यीशु कहता है कि मैं बहुत गंभीर हूं, मैं बहुत चिंता में हूं, ओहो मेरा प्राण निकलने पर है, मुझे तेरी सपोर्ट की जरूरत है, आई नीड योर सपोर्ट, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे लिए खड़े रहो, मेरा प्राण निकलने पर है, मैं इतना गंभीर हूं, मैं इतना चिंतित हूं। क्रूस की मौत उतनी गंभीर नहीं थी जितनी गंभीर द गार्डन ऑफ गेथसेमनी था। आमीन, क्रूस पर यीशु टंग गया, क्रूस पर उसने वेदना सही, क्रूस पर उसने दुख सहा, वो इतना कठिन नहीं था। सबसे कठिन चीज क्या था? गार्डन ऑफ गेथसेमनी। और जब गार्डन ऑफ गेथसेमनी में प्रभु यीशु रहता है, वो बोलता है मेरे प्राण निकलने पर है, परंतु याद करो क्रूस पर यीशु खुलेआम बोलता है इट इज फिनिश्ड। इट वाज इजी टू टेल हिम, ये उसके लिए आसान था, ये उसके लिए आसान था, हे पिता ये माफ कर दीजिए, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये उनके लिए आसान था। फिलहाल उसको उत्तर देना आसान था कि तू खुद कह रहा है कि मैं यहूदियों का राजा हूं। ऑल दिस थिंग्स वर इजी, वो आसान था, परंतु गार्डन ऑफ गेथसेमनी वही स्टेप लेना था उन्हें। हालेलुया, पहली सीढ़ी बनाना बहुत जरूरी है, दसवीं सीढ़ी बाद में आ जाएगी, परंतु पहला स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है। आमीन, एंड द गार्डन ऑफ गेथसेमनी वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हालेलुया, what a pain my Jesus had in the Garden of Gethsemane, what a suffering he went through. It's not easy. Yes. It was not easy. Yes. लुका की पुस्तक उसका 22 का 43 में क्या लिखा है देखिए। यहां पर जब यीशु अरेस्ट किया गया, आमीन, उसका लुका का 22 उसका 44 में भी हम देखेंगे। तब स्वर्गदूत से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। किससे? हृदय की वेदनाओं से। आमीन, उसके तकलीफ से वो प्रार्थना करने लगा, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। उसका जो पसीना था वो कैसे हो गया था? लहू की तरह। अगर आप साइंस में देखें, हिमाटोहिड्रोसिस इसको कहते हैं, जिसका सारांश हिमाटोहिड्रोसिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन इन विच an individual
sweat, blood. It may occur in an individual who is suffering from extreme level of stress. अगर कोई एक्सट्रीम लेवल में अगर कोई स्ट्रेस में है, एक्सट्रीम लेवल में अगर किसी बहुत गंभीर चिंता में है, तो आपका पसीना खून के रूप में बदल सकता है। ये साइंस सेस, ये विज्ञान कहता है। तो आज तक मैंने कभी न्यूज में नहीं सुना या कभी किसी को देखा नहीं, आप बोलते हैं मेरी बहुत चिंता है, बहुत चिंता है। मैंने कभी आपके पसीने को खून में बदलते हुए नहीं देखा, पर उस दिन यीशु का पसीना खून में बदल गया। He was going through the hematidrosis in these things, where your sweat, आपका पसीना खून में बदल सकता है। और इसीलिए आप सोच नहीं सकते हैं कि वो गार्डन ऑफ गेथसेमनी कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। टू गार्डन, वन इज अ गार्डन ऑफ ईडन, सेकेंड the garden of Gethsemane, powerful places. मेरे साथ जागते रहो, रिक्वेस्ट क्या है? मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे गल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है ऐसा ही हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दो तरह के चीज हम देखते हैं यहां पर। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत दुख में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, वेदना में है, तकलीफ में है। वो एक ऐसे समस्या से गुजर रहा है जो कोई नहीं समझ सकता। अभी कुछ देर के बाद वो जब क्रूसिफिकेशन में जाएगा वहां ब्लड गिरेगा, परंतु यहां पर दिमाग में इतना प्रेशर है उसके वजह से पसीना खून में बदल रहा है। इतना स्ट्रेस है। हम लोग किसी के तकलीफ को देखते हैं, बोलते हैं आओ बहुत तकलीफ में है वो, बहुत कष्ट में है वो। पर आपने कभी भी सोचा है कि यीशु क्रूस पर जितना तकलीफ में नहीं था, वो उससे भी ज्यादा इस गार्डन में था? क्योंकि यीशु मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे। जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कोई चीजों के लिए, वो बहुत वाइटल जगह होता है या वाइटल प्लेस होता है। एट द गार्डन ऑफ गेथसेमने उसका मेंटल प्रिपरेशन था। परंतु वो कहता है, एक बार बोला यीशु ने कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो Amen. But Jesus knew that he is going to die. वो जानते थे उन्हें मरना है, वो जानते थे उन्हें क्रूस पर चढ़ना है, परंतु फिर भी उनके मन में ऐसा बात आया। Amen. Hallelujah. फिर चेले के पास आकर उन्हें सोता पाया। पत्रस ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जा सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे ये बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा। तब उसने आकर उन्हें फिर से सोता पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद में भरी थी। Amen. Hallelujah. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है परमेश्वर का काम करने के लिए, सेवा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, परंतु जैसे ही सांसारिक चीजों का या कुछ ऐसे प्रलोभनों का, कुछ ऐसे बातों का ऐसे दिमाग में आता है, वे नींद से भर जाते हैं। परमेश्वर का साथ देखिए बहुत वाइटल चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। प्रभु ने कहा जागते रहो और क्या करो। अगर आप जागते रहोगे तो आप परमेश्वर से कनेक्ट हो। आमीन। अगर आप जागे हुए हो तो आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो। अगर आप जागे हुए हो तो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो। अगर आप सो गए हो तो कनेक्शन टूट जाएगा, रिलेशनशिप टूट जाएगा, संपर्क खत्म हो जाएगा, वो हर एक चीज खत्म हो जाएगा।
परंतु वे क्या हो गए? वे सो गए। वे क्या हो गए? वे सो गए। आज हम और आप भी कई बार और कहां कहां सोए हुए हैं, कि आज हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने परमेश्वर से बहुत सारे वादे को किया था और आप सो चुके हो। यू आर स्लीपिंग। इट्स नॉट दैट फिजिकली यू आर स्लीपिंग, बट इन मेनी वेज यू आर स्लीपिंग। इट्स नॉट दैट यू आर स्लीपिंग ऑन योर बेड, बट यू आर स्लीपिंग इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसा नहीं कि आप अपने बिस्तर में सो रहे हो, परंतु आप अपने आत्मिक जगह में भी सो रहे हो। आप परमेश्वर के संग जो चलते हो उसमें सो रहे हो। आप परमेश्वर से जो बात करोगे वहां सो रहे हो। जब प्रभु यीशु इनसे बात करने के लिए आया तो ये सो रहे थे। जब यीशु आपसे बात करने के लिए आया, आप अपने घर में बिजी थे, आप अपने बच्चों के बीच में बिजी थे, आप अपने परिवार में बिजी थे, आप सिर्फ अपने में लगे हुए हो, आप सिर्फ अपने काम में लगे हुए हो। जब प्रभु आपसे मदद मांगने आया, जब प्रभु आपको देखने आया, यू आर बिजी इन दिस वर्ल्ड एंड जीसस सेड यू आर स्लीपिंग इन योर स्पिरिट। तुम अपनी आत्मा में सो रहे हो। मैं तुम्हें जागा हुआ देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम तैयार रहो कि मैं आऊं और तुमसे सहभागिता करूं। But you were sleeping. Hallelujah. तुम सो रहे थे। दो गीत गाने से परमेश्वर की आराधना नहीं होती है। 10 मिनट बाइबल पढ़ने से परमेश्वर का खुश करना नहीं होता है। हर संडे चर्च आने से परमेश्वर आनंदित नहीं होता है। जगे हुए रहने से परमेश्वर खुश होता है। You need to be awake, my dear friends. यीशु जब इनके पास आता है क्या कहता है? कुछ कहने का नहीं है। यीशु जब आया तो क्या देखा उन्हें? फिर यीशु ने कुछ कहा? उसके बाद यीशु ने उनसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। यीशु ने फिर उनसे अब कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आपके पास आए और कुछ ना बोले और चला जाए। आमीन। मैं आऊंगा तीसरे गार्डन में। आमीन। तो चेले ने पास आकर उन्हें सोता पाया। फिर वो चेलों के पास जब आए, पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरी पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें, और उन्हें छोड़कर फिर वो चला गया। अब वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। आमीन। तब चेले के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। चर्च में बहुत लोग सो जाते हैं आके, अब जग गए। रात भर मोबाइल चला सकते हैं, पर जैसे ही प्रचार स्टार्ट होता है आप सोते रहो, आप सो जाओ। लल्ला लल्ला लोरी की कटोरी दूध में बतासा। हम और लोरी और भी कुछ है तो आप लोग जानते होंगे, मालूम कुछ बंगाली में भी सुना सकते हैं इस बात। अब सो जाओ, जब सब खो दोगे सो जाओ। अब जागने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको कहा गया जगो तो जगना था, जब आपको बोला गया सेवा करना था तो करना था, जब आपको बोला गया कि प्रार्थना करना था तो करना था। आमीन। मेरा चर्च चलाना या मेरी मिनिस्ट्री बहुत अलग है। मैं एक बार किसी को बोलूंगा
आप ये काम करेंगे? अगर वो व्यक्ति मुझे एक बार भी इशारा कर दे कि अभी नहीं बाद में, मैं यहां पुलपिट में खड़ा हूं, मैं उसे वापस देता नहीं, क्योंकि मैं यीशु का चेला हूं, मैं उसके तरह चलता हूं। आप मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। द वन टाइम यू रिजेक्ट द थिंग्स, मैं समझ गया अब आपको सोना है, गो एंड स्लीप, जाओ आप सो जाओ, क्योंकि मौका सबको नहीं मिलता। यीशु सारे चेलों को लेकर नहीं गया था, जिनको लेकर गया था उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। आमेन। अपने यीशु के संग खड़ा होने का समय था, अपने यीशु को सपोर्ट करने का समय था। यीशु बोल रहे हैं, पतरस मेरा प्राण निकलने पर है, आमेन, मेरा प्राण निकलने पर है, मैं इतना चिंतित हूं, मैं इतना गंभीर हूं, मेरी बातों को समझो, बस मेरे लिए प्रार्थना करो और कुछ मत करो। इस जगह में आदम और हवा को बोला गया, सब खाना, सिर्फ ये पेड़ का फल मत खाना, सिर्फ इसको मत छूना, सिर्फ ये मत करना। दो तरह के आदम, एक आदम अपनी पत्नी के पीछे दीवाना हो गया, अपनी पत्नी की सुंदरता में पागल हो गया, अपनी पत्नी के पीछे भाग रहा है, जो बोल रही है वही कर रहा है। और एक आदम हम जैसे गुनहगारों के लिए रो रहा है, हम जैसे पापियों के लिए रो रहा है, हम जैसे लोगों के लिए तरस रहा है, हम जैसे लोगों के लिए उसका पसीना लहू में बह रहा है, हम जैसों के लिए रो रहा है। और हम जैसे लोगों के लिए पिता ने अपने पुत्र को कहा, नो सन, यू हैव टू टेक दिस कप, मेरे बेटे तुझे ये कप लेना ही होगा, तुझे ये प्याला पीना ही होगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों को वादा किया है कि मैं उसे प्यार करता हूं, और उसको इतना प्यार करता हूं कि मैंने उनके लिए तुझे दे दिया, ताकि वे बच जाए, ताकि उनके जीवन में आशीष आए, ताकि वे उद्धार पाए, ताकि उनके जीवन में कुछ हो। इसलिए मैंने तेरे लिए गार्डन ऑफ ईडन नहीं रखा, मैंने तेरे लिए गार्डन ऑफ गेथसेमनी रखा है। हालेलुया। One Adam came to Garden of Eden, but second Adam came to Garden of Gethsemane. Hallelujah! 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 क्या आप सुन रहे हैं? मैं नहीं जानता। अब यीशु कह रहा है, अब सोते ही रहो। अब चर्च आने की जरूरत तुझे नहीं है, अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है, अब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब करना था तो किया नहीं, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कब कर रहे हो? जब घर में कोई बीमार हो गया। कब कर रहे हो? जब कोई हॉस्पिटल दौड़ रहा है तो आप चर्च दौड़ रहे हो। जब नौकरी चला गया तब आप परमेश्वर के चरणों में दौड़ रहे हो। जब थोड़ा सा प्रभु हिलाता है जीवन, तब आप हिलते हुए परमेश्वर के पास वापस आते हो। अब आने से कोई फायदा नहीं। आमेन। जब आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है, तब आप इंजॉय कर रहे थे संसार में। आमेन। जब सेवा, परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर के नाम को आपकी जरूरत थी। मुझे बहुत दुख होता है जब आप, मैं देखता हूं फास्टिंग प्रेयर में बहुत कम लोग, ऐसे पिक्चर्स में देखता हूं, फोटोज देखता हूं, क्या करते हो आप घर में? If you are free, you need to come to church. अगर आप फ्री हो, आपको परमेश्वर के, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के पास आएंगे उतना आपको आशीष है। जितना प्रभु के पास आओगे, हम नौकरी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, ओके, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु मुझे उन लोगों से शिकायत है जो घर में चुपचाप बैठे हुए हैं और पलंग में बैठकर या खाट में बैठ के या सोफा में बैठ के मोबाइल चला रहे हैं और फेसबुक स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग एंड स्क्रोलिंग, बट हियर प्रेयर इज गोइंग ऑन। मैंने आपके लिए 12 बजे से स्टार्ट किया इसको, ताकि आप अपने सारे काम को करके 12 बजे तक आ सकते हैं। पर उसी जगह अगर आपके घर में कोई आईसीयू में भर्ती है, आप फास्टिंग प्रेयर में जरूर आएंगे, क्योंकि आपको परमेश्वर से सब कुछ चाहिए।
प्रभु बोलता सो जाओ, अब सो जाओ, अब हम तुम्हारे लिए लोरी सुनाते हैं, तुम सो जाओ। यीशु ने कहा जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम नहीं आए, जब रिवाइवल प्रेयर में आना है, रिवाइवल के लिए प्रेयर करना है, आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, तुम घर में बैठे थे। एवरी डे वी हैव अ रिवाइवल प्रेयर हियर, यू आर स्लीपिंग, यू आर एट होम। अभी तो ऐसा हो गया है कि शर्म से रिवाइवल प्रेयर का फोटो नहीं डाला जाता है ताकि लज्जा लगे। Amen. If you are free, come for the revival prayer. आप अगर अपने ऑफिस में यहां से जा रहे हो तो 10 मिनट पहले निकलो, चर्च में घुटने टेक के प्रार्थना करके जाया करो। Hallelujah. Amen. Amen. Start doing something. कुछ अलग करो। हम आएंगे हमारे गार्डन में, but let me finish the garden of Gethsemane. और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो, सोते भी रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। Amen. अब वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है। There were two gardens, very important gardens. Amen. पहला गार्डन परमेश्वर ने सजाया, पहला गार्डन परमेश्वर ने पेड़ लगाए, पौधे लगाए, जानवरों को रखा, चार नदियों को लगाया, सब कुछ किया ताकि आदम और हवा खुशी और शांति से रह सके। परंतु दूसरा गार्डन प्रभु ने अपने पुत्र के लहू से सजाया। पहला गार्डन ही डेकोरेटेड, उसने बहुत सुंदर डेकोरेट किया, लॉट ऑफ लव फॉर एडम, बहुत प्यार से उसने उस पहले गार्डन को सजाया। पर दूसरे गार्डन को तभी वो सजा सकता था अगर यीशु की इच्छा हो। यीशु ने कहा तेरी इच्छा पूरी, मेरी नहीं। दूसरा गार्डन को अगर सुंदर बनाया गया सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा, वो जो ड्रॉप गिर रहा था ना पसीने का, उसमें बहुत पावर था, बहुत सामर्थ्य। The true garden, a very important garden. Now we come to first garden, Garden of Eden और Garden of Gethsemane. इन दोनों को आ जाइए हम अपने अपने गार्डन में तैयार करते हैं। The third garden, तीसरा बगीचा, मेरा बगीचा। कहें तीसरा बगीचा, मेरा बगीचा, तीसरा बगीचा, मेरा बगीचा। आज इन दोनों गार्डन को हम अपने गार्डन में आज रखते हैं। Amen. The Garden of Eden was a disobedience garden. Garden of Eden में आज्ञाकारिता नहीं थी। Amen. परमेश्वर का वचन सुना गया था परंतु उन्होंने वचन को पालन नहीं किया। क्या आज वो आपके गार्डन में है? क्या आज आपके गार्डन में आज्ञाकारिता है? क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सही तरह से फॉलो करते हैं? क्या आज आप परमेश्वर के वचन को सही तरह से मानते हैं? अगर आपके अंदर डिसओबीडियंस है तो आपका बगीचे में प्रॉब्लम है, आपके गार्डन में प्रॉब्लम है। हालेलुया। द सेकंड थिंग, द रिजेक्टेड गॉड्स डिजायर। आमेन। गार्डन ऑफ ईडन, अगर वो ईडन आपके अंदर है तो आपने परमेश्वर की इच्छा को रिजेक्ट कर दिया। आमेन। परमेश्वर की इच्छा क्या थी? कि आदम और हवा के संग रोज चले, ठंडी हवाओं में चले, उससे बातें करे, उससे प्रेम करे। परंतु उसने उस दिन स्टॉप कर दिया परमेश्वर को। उस दिन से परमेश्वर को स्टॉप कर दिया गया। उस दिन के बाद परमेश्वर फिर कभी भी उस गार्डन ऑफ ईडन में टहलने नहीं आया।
उस दिन के बाद परमेश्वर फिर कभी भी आपके घर में नहीं आया, जिस दिन आपने और आपके परिवार ने परमेश्वर के वचन को मानना और स्वीकार करना मना कर दिया, उस दिन के बाद से परमेश्वर आपके घर में नहीं आया। आपको क्या पता है, आपको क्या मालूम है कि आपके गाने में परमेश्वर अभी नहीं आता, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पालन नहीं किया है। आप चर्च आते हो, उपवास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रभु भोज लेते हो, आपने सब करते हो, परंतु प्रभु नहीं आता, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, परंतु प्रभु नहीं है वहां, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। आदम जिंदा था, हवा जिंदा थी, प्रभु उनको देख रहा था, परंतु उनकी उपस्थिति नहीं थी। Amen. There was not a presence of God. प्रभु की उपस्थिति वहां पर नहीं थी। Amen. They lost many things. सब खो दिया उन लोगों ने, सब कुछ खो दिया उन लोगों ने, इसके लिए संसारी चीजों को पाने के लिए। कहीं आप अपने गार्डन में संसारी चीजों को तो नहीं रखना चाहते हैं? आपने जो जागतिक जिनिस जो रखते चाहिए, आपने अनेक किछु हारावें। आपने जो निजे गार्डन में जागतिक जिनिस रखते चाहिए, आपने अनेक किछु हारावें। আমি বলছি, আপনি যদি ভাবছেন আমি আমার জগতে সব কিছু নিয়ে আসবো আর আমার ওই গার্ডেনে রাখবো, আপনি রাখতে পারবেন না। কেন জানেন? আপনি কেন আপনার ওই গার্ডেনে রাখতে পারবেন না? কেন? ওই গার্ডেন ঈশ্বর তৈরি করেছেন। আমেন। গার্ডেন অফ ইডেন মে বাইবেল বলতি হে আদম নে এক ভি পেড় নেই লাগায়া। আমেন। এক ভি পেড় নেই লাগায়া। কিসনে বানায়া? সব পরমেশ্বর নে। आप अपने अंदर अपने जीवन में एक भी चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। द लॉस्ट मेनी थिंग्स। अगर आपने যদি জগতে কিছু হারিয়ে হয়ে যাচ্ছে আপনার জীবন থেকে, অসুবিধা নেই। আমেন। अगर संसार की कोई चीज आपसे अलग हो रही है, दूर हो रही है, जा रही है, जाने दो, जाने दो उन्हें। आमेन। क्योंकि परमेश्वर का बगीचा आपके पास है। पर अगर आप उन सारी चीजों को रख रहे हो, you are losing many things. Amen. Hallelujah. Garden of Eden, जहां पर परमेश्वर ने उम्मीद रखी थी आपसे, जहां पर आपके ऊपर बहुत भरोसा था कि आप कुछ करोगे मेरे लिए। जब प्रभु ने आपको दूसरे जातियों से यहां पर लाया, जब प्रभु ने आपको चुनकर यहां पर लाया, तो आप परमेश्वर की उम्मीद हो, आप परमेश्वर की वो उम्मीद हो इस अंधकार के दुनिया में। आप खुद खो चुके हो, आप खुद गलत काम कर रहे हो, आप खुद भूल काम में चले गए हो। You are losing many things. उस दिन आदम और हवा ने वो खो दिया। जब हम गार्डन ऑफ गेथसेमनी में आते हैं, वहां दर्द था। जो प्रभु में है हमें दर्द होगा, जो प्रभु में है देयर विल बी सॉरो, तकलीफ होगा, दुख होगा। प्रभु में जो है कष्ट होगा, जो प्रभु में है बहुत तकलीफ होगा, स्ट्रेस होगा, हमारा पसीना भी ब्लड में बदल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Yes. Amen. Hallelujah. But there was a powerful thing. Adam Vatika में connection टूट गया, परंतु Gethsemane में connection मजबूत हो गया। Adam Vatika में connection खत्म हो गया, परंतु Gethsemane में फिर से connection जुड़ गया। मेरे और आपका connection यीशु ने जोड़ा। अगर गार्डन ऑफ गेथसेमनी नहीं होता तो क्रूस भी नहीं होता, अगर गार्डन ऑफ गेथसेमनी नहीं होता तो क्रूस से वो क्षमा भी नहीं होता, अगर गार्डन ऑफ गेथसेमनी नहीं होता तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह शैतान को कुचलता भी नहीं, अगर गार्डन ऑफ गेथसेमनी नहीं होता तो कब्र भी नहीं होता, अगर गार्डन ऑफ गेथसेमनी नहीं होता तो आज मेरा और आपका उद्धार भी नहीं होता, मेरा और आपका पाप से क्षमा।
ये संसार बचा हुआ है, ये संसार आज टिका हुआ है because of the garden of Gethsemane. Hallelujah. Because of garden of Gethsemane, we have the Holy Spirit. Yes. Amen. Amen. Garden of Gethsemane के कारण हमारे पास आज पवित्र आत्मा है. क्योंकि गार्डन ऑफ गेथसेमने आपको पता है, गार्डन ऑफ गेथसेमने में सबसे ज्यादा ओलिव ऑयल्स मिलते थे, ऑयल प्रेस किया जाता था वहां पर, और ऑयल रिप्रेजेंट होली स्पिरिट. गेथसेमने के कारण आज हमारे पास पवित्र आत्मा है. गेथसेमने के कारण आज हमारे पास कंफर्टर है. मैं नहीं जानता कि आज आपके जीवन में क्या है. Do not walk away from the will of God. Do not walk away. परमेश्वर की इच्छा जहां है वहां पर ठहरे रहो. दुख होगा, तकलीफ होगा, कष्ट होगा, बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, यहां तक कि मौत भी सामने आएगी, पर बैठे रहना, आयुब की तरह बैठे रहना. Amen. बैठे रहना, तुम अकेले नहीं हो, खुदा तेरे साथ है. खुदा तुम्हारे साथ है. परमेश्वर के तरह बनना चाहते हैं और एक तरफ यीशु परमेश्वर के अधीन में रहना चाहता है. एक तरफ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ यीशु कह रहा है अगर हो सके तो यह हट जाए तो हट जाए, परंतु मैं नहीं. सबमिशन, what a submission of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. क्या आपके गार्डन में सबमिशन है? क्या आज आपके गार्डन में फॉरगिवनेस है? क्या आज आपके गार्डन में ईमानदारी है? क्या आज आपके गार्डन में इंटीग्रिटी है? क्या आज आपके गार्डन में पवित्रता है? क्या आपके गार्डन में आप जगे हुए हैं? क्या आप अपने गार्डन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? क्या आज आपके गार्डन में यीशु का वो विल पावर है कि नहीं है? अगर नहीं है, यू नीड टू चेक योर गार्डन. Do not walk away from the will of God. परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में अगर जाओगे तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वयं स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया कि आदम और हवा को इस गार्डन से बाहर फेंक दो. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परंतु गार्डन ऑफ गेथसेमने आज भी है. Amen. आज भी है. Yes. Hallelujah. Hallelujah. To whom you are listening. हवा ने सर्पेंट का सुना, सांप का सुना, शैतान का सुना. आदम ने भी शैतान का सुना, तो यीशु ने अपने प्रभु का सुना. आप किसका सुनते हो? कौन है आपके घर में? कौन है आपके जीवन में? माँ का सुनते हो? पिता का सुनते हो? वाइफ का सुनते हो? पत्नी का सुनते हो? अपने भाई और बहन का सुनते हो? To whom you listen? I don't listen anyone. मैं अपने जीवन में I don't listen anyone. I love everybody, but I listen only. Amen. My God. Amen. Yes, sir. आपने परमेश्वर का सुनना. कि मुझे मालूम है कब कौन किस तरह से मेरे जीवन को खत्म कर दे, ये मैं नहीं जान पाऊंगा. कोई भी कुछ कहता है, फर्स्ट आई गो एंड से गॉड इट इज योर विल. प्रभु क्या ये तेरी इच्छा है? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यीशु ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो. इन तीनों चीजों को आप देखें, टू होम यू आर लिस्टिंग. डिसाइपल्स वर स्लीपिंग, चेले सो रहे हैं. क्या आज यीशु के चेले सो रहे हैं? क्या आज यीशु के लिए मरने वाले सो रहे हैं? क्या आज यीशु की सेवा करने वाले सो गए हैं? कभी कमजोर नहीं होना, कभी वीक नहीं होना. परमेश्वर के काम के लिए कभी वीक नहीं होना, कभी कमजोर नहीं होना.
आज जिसके कारण आप कमजोर हो रहे हो, आपके जरा अपना के वीक করছে, এক দিন ওদেরকে দরকার পড়বে, আপনি ওদের জন্য দাঁড়াবেন, আপনি আপনার ছেলে মেয়ের জন্য দাঁড়াবেন। আজকে যদি ওদের শুনে আপনি পাপ করবেন, আপনি কিন্তু ওই গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আসছেন। আপনার গার্ডেন কিন্তু খুব একটা ভালো নয়, আপনার ওই গার্ডেনে পবিত্র আত্মা নয়, আপনার ওই গার্ডেনে ঈশ্বরের উপস্থিতি নয়, আপনার পরিবারে ঈশ্বরের অনুগ্রহ নেই, আজ আপনি জীবনে পরমেশ্বর কি দয়া নেই, আশিস নেই, কৃপা নেই, ভালাই নেই, আজ আপনি জীবনে শ্রীরাম কি ইচ্ছা হয়, শ্রীরাম কি ইচ্ছা হয়। मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी अगर मैं नहीं करूंगा, मेरा पिता गुस्सा हो जाएगा मैं नहीं करूंगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, अरे छोड़ देने दो, अरे क्या है छोड़ देगी। आयुब कहता है जान चली जा मुझे छोड़कर, कोई बात नहीं। आयुब कहता है मेरे दोस्त तुझे तू मुझे छोड़ देगा, अरे छोड़ देगा छोड़ दे कोई बात नहीं, परंतु मेरी नहीं पिता की इच्छा, पिता की इच्छा, खुदा की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। I don't want to fulfill anyone's desires, but I want to fulfill the God's desire in my life. I simply परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ और किसी की नहीं। जिस आप जिस इंसान को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, दो दिन बाद आपको बुरा बोलेगा, दो दिन के बाद। आप जिसके लिए परमेश्वर से दूर हो रहे हो, एक दो दिन के बाद आपको बुरा बोलेगा। बाइबल लिखा है क्या तुम्हारी माँ तुझे छोड़कर, बाइबल हाँ ये पॉसिबल है, बाइबल लिखा हाँ ये पॉसिबल है, छोड़ सकती है तुम्हारी दूध पिलाई हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा। लूका 24:2 में क्या लिखा है, तो जल्दी से पढ़ दे, Luke 24:2। The stone rolled away. Amen. वो पत्थर क्या हो गया? वो पत्थर क्या हो गया? वो पत्थर क्या हो गया? Amen. प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उस समय किसी को आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। उस समय पत्रस को आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। Amen. Hallelujah. 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 Because of Garden of Gethsemane, we have a victory in our lives. अगर गेथसेमने का बगीचा नहीं होता, तो आज हमारे जीवन में विजय नहीं होता। आज वो पत्थर नहीं हटता। आज हमारे जीवन से पाप नहीं जाता। आज हमारे जीवन से अंधकार की ताकतें नहीं जाती। Because of the Garden of Gethsemane, we are free today. Now we don't have any obstacles in our lives. हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं है। हमारे जीवन में कोई रुकावट नहीं है। हमारे जीवन में किसी भी तरह का क्लेश नहीं होना चाहिए। हमें कोई रोकने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। कोई परमेश्वर के पास जाने से हमें रोक नहीं सकता। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो पत्थर हटा दिया है। The stone is rolled away. The stone is rolled away. You can go inside and see that he is not here. वो यहाँ नहीं है। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा। वो अपने वचन के अनुसार आपके बच्चों को आशीष देगा। वो अपने वचन के अनुसार आपको छुटकारा देगा। वो अपने वचन के अनुसार आपको फिर से खड़ा करेगा। वो अपने वचन के अनुसार आपको फिर से सम्मानित करेगा। वो अपने वचन के अनुसार आपके जीवन में फिर से आशीष देगा। Only because of his word, he will bless you, he will protect you, he will bring joy and peace and happiness again in your life. Hallelujah. 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 The stone is rolled away. The stone is rolled away. वो पत्थर हट गया है। वो पत्थर हट गया है। आपके बीच में कोई नहीं है। आपके बीच में कोई नहीं है। आप और प्रभु हैं। आप और प्रभु, आप और खुदा है, आप और यीशु है।
कोई नहीं है। The stone is rolled away because of Garden of Gethsemane, because of one yes, because of one yes. सिर्फ वो एक हाँ था, हाँ तेरी इच्छा पूरी हो, हाँ तेरी इच्छा पूरी हो, हाँ तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपने भी एक दिन हाँ बोला था प्रभु को, आपने भी एक दिन यस बोला था। पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा, प्रभु आपको गिरना नहीं देगा, प्रभु आपको उठाएगा। क्यों उठाएगा मालूम है? अपने वचन के कारण। बाइबल में लिखा है वो अपने वचन के अनुसार जी उठा, वो अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, आपके परिवार को फिर से बिल्ड करेगा। लेट्स डेकोरेट our garden with joy, with obedience, with love, with the Holy Spirit. Let the presence of God come again. Amen. पिता ने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। यीशु ने कहा मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। अब हमें आदम की आदम का वो बगीचा नहीं चाहिए, हमें गार्डन ऑफ ईडन नहीं चाहिए। हमें आज अपना वो गार्डन तैयार करना है, आज वो गार्डन को सुंदर करना है। आइए हम अपने गार्डन में यीशु की इच्छा को रखें, अपने गार्डन में प्रभु की इच्छा को रखें। Let's welcome Jesus in your life. Let's welcome Jesus in your family. Let's welcome Jesus in your spiritual life. I let the Jesus go swallow you. Don't forget Christmas in life. Don't forget the asking the faith to come through. It's not the faith, it's not the faith, it's not the heart. You have truth. But as you may come today, who's in the garden of Gethsemane for that heart. Don't go away from the will of God. प्रभु की इच्छा के साथ चल करके प्रभु को जीवन में स्वीकार करे, प्रभु को अपने जीवन में मान ले, प्रभु के पीछे चल ले। Don't walk away from the will of God. When Jesus comes in your home, प्रभु से दूर ना जाए। Don't walk away from the will of God. Lord. His will is a powerful thing. प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। बड़ा पेन ही गॉन थ्रू इन दैट गार्डन ऑफ गेथसेमने। मैं जब पढ़ रहा था, आई वाज नॉट गुड, आई वाज नॉट फीलिंग गुड। मानो मेरा तबीयत खराब हो रहा था ऐसे जब मैं पढ़ रहा था इसको। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट माय जीसस। Yes. What you are thinking about Jesus? How you are thinking about Jesus? Where you have kept your Jesus? आप यीशु के बारे में कैसा सोचते? आप यीशु को कहाँ रखते? Put Jesus in your garden. And let not your will, but His will. मेरी इच्छा नहीं प्रभु, पर तेरी इच्छा। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, सब सब तक शिव जागा। वो है हमारा राजा, सब सब तक शिव जागा।
अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं और कहें प्रभु हम सोए हुए नहीं, हम तेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। आज आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। Let's surrender our life again. क्या आपसे कुछ पाप हो रहा है? क्या आपसे कुछ भूल हो रहा है? क्या आप बहुत गुस्सा करना स्टार्ट कर चुके हैं? क्या हो रहा है आपको? आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप शैतान से बात कर रहे हैं, इसीलिए सब हो रहा है। हवा को कुछ नहीं हुआ था, उसने मौका दिया शैतान को बात करने का, इसीलिए आपका सर दर्द हो रहा है, इसीलिए आप पागल तरह बात कर रहे हैं, इसीलिए आपके मुंह से गंदी बातें निकल रही हैं। आप नहीं चाहते पर यह हो रहा है क्योंकि आपने मौका दिया है। पर तो यीशु ने मौका नहीं दिया, यीशु सोया नहीं, यीशु जगा हुआ था और अपने पिता से बातें कर रहा था, अपने परमेश्वर से बातें कर रहा था और कह रहा था, God not my will, but let thy will be done in my life. जागते करे प्रभु प्रार्थना, हम सोए नहीं करते रहे प्रार्थना। Yeah.
प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु कि ताकि हम उसकी देखभाल कर सके प्रभु, ताकि हम उसे बहुत अच्छी तरह से सजा सके प्रभु, बहुत सुंदर से रख सके प्रभु, और उस बगीचे से प्रभु, उस गार्डन से प्रभु तेरे नाम की स्तुति गौरव और महिमा होने पाए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको चुना है प्रभु जी, ताकि प्रभु हम उस गार्डन को प्रभु तेरे सामने प्रेजेंट कर सके प्रभु, एक सुंदर सुंदर गार्डन करके प्रभु तेरे सामने रख सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु उसमें प्रभु अदन वाटी का जैसा गुण होना चाहिए प्रभु, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें गेटसन्नी होना चाहिए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु हाँ प्रभु, एक रिश्ता तो टूट गया था प्रभु अदन में प्रभु, क्योंकि इंसान प्रभु तेरी नहीं प्रभु, परंतु शैतान की सुनने लगे थे प्रभु। से समय प्रभु अनेक অনেক ভুল কাজ হয়েছিল প্রভু, কিন্তু সেই সমস্ত ভুলকে প্রভু একটা বাগানে গিয়ে প্রভু তুমি ঢেকে দিয়েছিলে প্রভু। যে কষ্ট প্রভু আমাদের ভোগ করার কথা প্রভু, সেই কষ্ট প্রভু তুমি নিজে ভোগ করে নিয়েছিলে প্রভু। প্রভু তুমি কাহা থা প্রভু, তেরি ইচ্ছা তো কুছ অর থা প্রভু, কে ও প্যালা তেরে সামনে সে হটা লিয়া যায় প্রভু, লেকিন পরন্তু প্রভু তুই ইতনা আজ্ঞাকারী থা। বচন কেতা হে কে তুনে ক্রুজ কে মৃত্যু তক আজ্ঞাকারী রহা প্রভু, और प्रभु तूने कहा कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे इस पवित्र बलिदान के लिए प्रभु, जो तूने हमारे लिए दिया था प्रभु, और हमारे बगीचे को तैयार किया प्रभु, ताकि हम प्रभु पवित्र बन सके प्रभु। आज हो सकता है प्रभु कि अदन की तरह प्रभु हम भी बहुत सारे बहकाव में आ जाते हैं प्रभु, बहुत सारे टेम्पटेशन हमारे जीवन में भी काम करता है प्रभु, बहुत सारे चीज हमें भी अच्छा लगता है प्रभु, बहुत सारे चीज हमें भी हमारे मन को भी लुभा देता है प्रभु जी, लेकिन प्रभु हम उस चीज को देख के नहीं प्रभु, परंतु हम तुझे देख के प्रभु भावित होना चाहते हैं प्रभु। प्रभु हमारा नजर प्रभु तेरी ओर होना चाहता है, ताकि हमारा बगीचा अच्छा रहे, हमारा गार्डन सुंदर रहे प्रभु, और हमेशा प्रभु वहाँ पर प्रभु जैतून का फल हो सके प्रभु, वहाँ पर प्रभु पवित्र आत्मा का फल हो सके प्रभु, और हमारे जीवन से प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु पवित्र आत्मा का फल और हरे गुण पाया जाए प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु अगर तू हमारे जीवन में गेतसमनी लाता है प्रभु, अगर हमारे जीवन में भी तकलीफ लाता है, हमारे जीवन में भी दुख लाता है प्रभु, तो वो कटोरा पीने का शक्ति भी तू ही देता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं जैसे तूने अपने पुत्र को दिया था प्रभु, तू हमें भी देता है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस बगीचे में हम सोना जाए प्रभु, हम जागते रहे और प्रार्थना करते रहे प्रभु। देख प्रभु हमारे जीवन में अगर कहीं भी हम सो गए हैं प्रभु, कहीं भी हम खो गए हैं प्रभु, तो प्रभु तू ऐसा ना कह दे कि अब तुम सोते रहो, अब तुम विश्राम करते रहो, लेकिन प्रभु फिर से और एक बार मौका दे कि प्रभु तू हमें हिला के बोल दे कि तुम क्यों सो रहे हो, यही समय है मेरी सेवा करने का, यही समय है सुसमाचार प्रचार करने का, यही समय है लोगों के पास पहुंचने का। तुम थोड़ा उठ जाओ और प्रार्थना करो और लोगों के पास पहुंचो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम्हारे जीवन में भी आशीष आ सके, तुम्हारे बगीचे में भी फल आ सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे बगीचे में प्रभु प्रेम, दया, क्षमा, इस टाइप का फल आना चाहिए प्रभु जी। प्रभु देख प्रभु, देख प्रभु किसी के बगीचे का पेड़ अगर सूख गया है प्रभु, किसी के बगीचे में पेड़ में अगर कोई भी कीड़ा, कोई भी अहंकार, कोई भी कड़वाहट आ गया है प्रभु, उस बगीचे को प्रभु तू हमारा माली है, तू अपने हाथों से साफ कर प्रभु, तू अपने हाथों से प्रभु फिर से खिला दे प्रभु, आशीष से अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, किसी के परिवार में अगर तकलीफ है, किसी के शरीर में अगर रोग है, किसी के मन में अगर बहुत कष्ट है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसके मन में इतना कष्ट नहीं होगा प्रभु,
सहा प्रभु, इसलिए तूने 3 दिन के बाद मृत्यु को भी जीत लिया प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे चर्च के हर एक भाई बहन के जीवन में भी अगर ऐसी कोई पीड़ा है, ऐसी कोई तकलीफ है, ऐसी कोई बहुत मुसीबत में से वो जा रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के अनुसार हो प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु उसके जीवन में भी पुनरुत्थान आने पाए, तेरे वचन से अनुसार भी प्रभु उसके जीवन भी एक नया जीवन होने पाए प्रभु। तो आशीष दे, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मंडली के लिए प्रभु जी। प्रभु हमारे मंडली को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे प्रभु। बहुत सारे मंडली का प्रार्थना है प्रभु, बहुत सारे प्रभु के दासों का प्रार्थना है प्रभु, बहुत सारे लोगों का प्रार्थना है प्रभु। ये मंडली खाली नहीं जाएगा प्रभु, ये मंडली एक आशीष का सोता बनने वाला है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं यहाँ पे जो भी आएगा प्रभु वो खाली नहीं जाएगा प्रभु, परंतु तेरे जीवन का जल लेके जाएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे चर्च लैंड के लिए प्रभु। प्रभु जो भी वहाँ पे एक्टिविटी, जितने सारे एक्टिविटी होता है प्रभु, जो भी काम काज चलता है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक काम काज में प्रभु तो आशीष दे प्रभु, अनुग्रह कर और दया कर प्रभु। जो भी फंड चाहिए प्रभु, जो भी मेहनत चाहिए प्रभु, जो भी हमारे हमारे ओर से प्रभु समर्पण का आत्मा चाहिए प्रभु, प्रभु वो हमसे ले ले प्रभु। तू आशीष दे और अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज प्रभु, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने हाथ प्रभु तेरे भंडार में प्रभु हृदय से दिया है प्रभु, उन हाथों को तू देख प्रभु, क्योंकि प्रभु जो हर्ष से देने वाले होते हैं प्रभु उनको तू जानता है प्रभु, उनको तू पहचानता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हर एक हाथों को प्रभु तू छू, उनके भंडारों को प्रभु तू पहचान, और उनके अनुसार प्रभु तू उन्हें आशीष दे प्रभु। उनका भंडार कभी खाली ना जाए प्रभु, परंतु तेरे आशीष से प्रभु वो खिल उठे प्रभु। आशीष दे, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। प्रभु धन्यवाद जानाई प्रभु, विशेष करे आपने प्रार्थना करी प्रभु हमारे पालक पितार जन्य प्रभु। प्रभु प्रभु ভালো লাগছে প্রভু অনেক দিন পর প্রভু, উই আর থ্যাঙ্কফুল গড প্রভু। প্রভু তোমার বাক্য বলে মিশেরা নিজের মেষ পালকের রবকে চেনে প্রভু। হ্যাঁ প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু যে তুমি আমাদের পালককে প্রভু আরেকবার আমাদের মাঝে এনেছো, এবং তার মধ্যে থেকে তোমার বাক্যকে শোনার সুযোগ করে দিয়েছো প্রভু। তোমাকে ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ জানাই প্রভু তুমি তাকে সুস্থ রেখেছো প্রভু, এবং তাকে প্রভু অনেক অনেক মানুষের মধ্যে প্রভু তুমি ব্যবহার করেছো প্রভু। ইউজড হিম অ্যাজ আ চ্যানেল অফ ব্লেসিংস টু মেনি অদার্স। প্রভু ধন্যবাদ জানাই প্রভু, এইভাবে তাকে অনেক ব্যবহার করো প্রভু, অনেক সুন্দরভাবে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলো প্রভু, এবং তার জীবনে পবিত্র আত্মার যে তেল আছে প্রভু তা যেন শুকিয়ে না যায় প্রভু, কিন্তু উত্তরোত্তর প্রভু যেন বৃদ্ধি পায় প্রভু। I pray, O God, for his family, O God. প্রভু তার পরিবারকেও প্রভু তোমার আশীর্বাদ, তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ দিয়ে ঘিরে রাখো প্রভু, যেন সবসময় প্রভু একটা জীবন্ত পরিবার হিসাবে প্রভু সাক্ষ্য বহন করতে পারে প্রভু। দয়া করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। সকল বিনতি প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার মধুর ও সামর্থ্য নামে চাই, তুমি শোনো ও স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করো। আমিন। পবিত্র আত্মা কি সহভাগিতা আপ সে লেকে সর্বদা তক জব তক প্রভু ইয়েশু মসীহ বাদলো মে লৌট কর ফির সে না আয়ে তব তক হম বিশ্বাস মে বনে রহে। হম সব মিলকে এক সাথ বলেঙ্গে